वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव को लेके। दोस्तों आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव क्या टल सकते हैं, प्रधान के इलेक्शन नहीं जारी हुई अभी भी गाइडलाइंस, 25 दिसंबर को होने वाला है कार्यकाल संपूर्ण। तो दोस्तों 25 दिसंबर को कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और अभी भी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव को लेके। दोस्तों प्रधान इलेक्शन जो है अब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होने वाले हैं। इन्हीं पंचायती चुनाव के बीच एक असमंजस स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच बहुत ही बड़ी असमंजस स्थिति है कि क्या आखिर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है पंचायती चुनाव संपन्न होंगे या नहीं होंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, पंचायती चुनाव लटकने के आसार पैदा होते नजर आ रहे हैं। सरकार ने चुनाव आयोग को अब तक चुनावी प्रक्रिया के संबंध में कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की है। वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा होने वाला है। प्रधानी के चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को सामान्यतः 6 माह का समय चाहिए और दोस्तों विशेष परिस्थितियों में 4 माह के अंदर भी जो है चुनाव आयोग चुनाव संपन्न करा सकता है। लेकिन 1 सितंबर से मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्य के लिए आयोग ने जो आदेश जारी किया था शुक्रवार को, उस आदेश को एक बार फिर से वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कोई ठोस फैसला जो है लेने वाली है। दोस्तों आपको बता दें, चुनाव आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने 19 अगस्त को 1 सितंबर से पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में जिलों को एक पत्र भेजा गया था, लेकिन 21 अगस्त को इस पत्र को वापस ले लिया गया था और जानकारी दी गई थी कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है। जहां तक पंचायत चुनाव का सवाल है, वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल जो है 25 दिसंबर को पूरा हो रहा है। निर्वाचन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दोस्तों सामान्य चुनावों के लिए आयोग को 6 माह चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में 4 माह में भी पंचायती चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। परिसीमन के आंकड़ों के मिलने के बाद आयोग जो है 15 दिन में सूची जो है जारी कर देगा। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य भी आयोग 75 से लेकर 90 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें, आप देख सकते हैं चुनावी प्रक्रिया 40 दिनों में आयोग जो है पूरी कर लेगा। चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग को 35 से 40 दिन का समय चाहिए। 25 अगस्त तक सरकार जो है पंचायती चुनाव के प्रबंध में कोई ना कोई ठोस फैसला जरूर ले सकती है। तो दोस्तों निर्धारित समय पर प्रधानी के चुनाव आयोग करा सकता है, लेकिन इसके बाद चुनाव टालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सरकार जो है पंचायत चुनाव के संबंध में कोरोना संकट के चलते असमंजस की स्थिति में है कि आखिर चुनाव कराएं या फिर चुनाव को कुछ समय के लिए टाला जाए। पंचायत चुनाव ग्रामीण क्षेत्रों की संसद के लिए एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार इस फैसले पर अगले 2-3 दिन में कोई ना कोई फैसला लेगी, ऐसा माना जा रहा है कि जिले के अधिकारी कह रहे हैं कि जो भी दिशा निर्देश आएंगे उनके हिसाब से भी जो है आगे की कार्यवाही जो है आगे की चुनावी प्रक्रिया जो है संपन्न कराई जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही कोई भी उत्तर प्रदेश पंचायती चुनाव या प्रधान के चुनाव को लेकर कोई भी बड़ी अपडेट आती है, हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अवगत कराएंगे। इसके लिए आप अभी से इस वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जल्दी से जुड़िए और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर पाएं। इसके लिए पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।